किसी लिफ्ट के दरवाजे के बीच में खड़े होके लिफ्ट रोकने का रूल तोड़ा? नहीं तोड़ा। आ दक्कू आ, रूल तोड़ बेटा, रूल तोड़। अरे लिफ्ट बंद करो। अब आएगा खेल का असली मजा। प्लीज लिफ्ट को जाने दो ना, बेचारा परेशान हो रहा है। अरे ओ दक्कू, अब तक तुम रूल फॉलो किया करते थे तो तुम्हारी दुनिया में कोई कदर नहीं करता था, लेकिन अब देखना जैसे ही तुम रूल फॉलो करना बंद कर दोगे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, इस लिफ्ट को लिफ्ट कराते हैं। थैंक यू। लेकिन एक शर्त पर, इस लिफ्ट के सारे बटन तुम्हें दबाने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में तुम लोगों के घरों की घंटियां बजा के भाग जाया करते थे और तुम्हें सुख की प्राप्ति होती थी, वैसा ही सुख आज तुम्हें मिलने वाला है। आओ बेटा, सुख की प्राप्ति करो बेटा। चैन को लेकी मैन को लेकी चैन, 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 चैन को लेकी मैन को लेकी चैन। अरे ये लिफ्ट के साथ किसने मस्ती की है? कैसा लगा? सच कहूं तो पहले थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर एक अजीब सी खुशी भी मिली। बस इसीलिए लोग रूल तोड़ते हैं दक्कू, कुछ अपनी सहूलियत के लिए तो कुछ अपने सुख के लिए। अब देखना दक्कू, जो लोग रूल फॉलो करने पे तुम्हें गालियां देते थे ना, वही लोग अब रूल तोड़ने पे तुम्हें तालियां देंगे। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? चल जल्दी से पेपर फोटो खींच ले मेरे यहाँ। अरे आशा, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी जोशीपुरा साहब ने ये नए रूल खत्म कर दिए। अभी सब कुछ पहले जैसा है। बिंदास जा। काया पलट वही, काया पलट हो गया। ये स्पर सिक्योरिटी सिस्टम जो पहले थे ना, सेम वैसे ही हो गई। हाँ, फोटो ओटीपी दोनों रूल्स दक्कू भाई ने निकाल दिए। क्या? एक मिनट, अगर तुम मुझसे ये कहती ना कि साई दर्शन सोसाइटी के कुछ मेंबर्स मार्स पर बसने गए हैं तो मैं बिलीव करता, लेकिन दक्कू भाई ने अपनी जान से भी प्यारे रूल्स को रद्द कर दिया, नामुमकिन नहीं। आई शपथ राजेश भाऊ, दक्कू साहब सचमुच सुधर गए हैं। हाँ, इम्पॉसिबल। नहीं इम्पॉसिबल नहीं है राज, पॉसिबिलिटी तो है। हाँ, देखा नहीं, सोसाइटी का ग्रुप 2 दिन से वीरान पड़ा हुआ है, दक्कू भाई की एक भी कंप्लेन नहीं आई है। लगता है वो सोसाइटी मीटिंग की वजह से ना दक्कू अंकल पे अच्छा असर पड़ा है। नहीं, सोसाइटी मीटिंग की वजह से नहीं, दक्कू अंकल की परम पूजनीय वंदना भाभी की शब्दों का नतीजा है ये। वेल डन मम्मा, वेल डन। मैं कुछ ज्यादा बोल गई ना? अरे चमत्कार चमत्कार। क्या हुआ, दादी के अल्जाइमर्स ठीक हो गए? नहीं, उससे भी बड़ा चमत्कार। पता है राजू, सचमुच ना दक्कू बदल गया है, सुधर गया है। आज सुबह ना हम दोनों गार्डन में टहलने के लिए गए थे। राधिका, तुम्हारी बात ही निराली है। मेरी बात निराली है ना? क्या हुआ? अच्छा, अगर मेरी बात निराली है तो वो लाल वाला फूल है ना गुलाब का, वो मुझे तोड़ के लाके दो। राधिका, ये फूल तो क्या, तुम कहो तो मैं पूरा पौधा उठा के ले आऊं। नहीं, पूरा पौधा नहीं चाहिए, सिर्फ लाल फूल चाहिए। काका, फूल अच्छे। डॉक्टर कोठारी ने क्या कहा था? फूल सूंघने से ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, मतलब डाउन। हाँ काका, मैं आए। मुझे लगता था व्यक्ति बदल सकता है लेकिन उसका व्यक्तित्व तो नहीं। लेकिन दक्कू, अश्योर वो दक्कू भाई थे। राजू, अरे एक दिन में थोड़ा ही ना कोई प्लास्टिक सर्जरी करके दक्कू बन सकता है। हाँ करेक्ट, और प्लास्टिक सर्जरी हो भी जाए तो भी कोई दक्कू भाई जैसा दिखना क्यों चाहेगा। Sorry, but I still don't believe this. अरे डैडी, you have to believe it. दादा दादी की तरह मैंने और विद्युत ने भी दक्कू अंकल का ये नया रूप देखा। दक्कू अंकल के रूल्स को तोड़ते हुए कल मैं और विद्युत क्रिकेट खेल रहे थे और फिर मैंने उसकी बॉल पे कवर ड्राइव मारी। दक्कू अंकल, मैं विद्युत को समझा ही रहा था कि रूल्स का पालन कर, लेकिन बैटिंग करो। सॉरी अंकल, प्लीज सॉरी। मैंने कहा ना बैटिंग करो। दक्कू भाई मतलब स्पिनर है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैक्स टू मैक्स मुझे लगा दक्कू भाई क्या हो सकते हैं, मतलब अंपायर हो सकते हैं। क्यों? हाँ क्योंकि वो सारे क्रिकेट के रूल्स ऐसे खा गए होंगे ना। मिरेकल मिरेकल मिरेकल, कांग्रेचुलेशंस दक्कू भाई के सुधरने की खुशी में मेरी तरफ से सबको पार्टी। काश काश दक्कू भाई थोड़ा पहले सुधर गए होते तो ये अकीरा वाला किस्सा ही नहीं होता ना। ओ राजू, अरे वो जापानी क्लाइंट का क्या हुआ आगे? पता नहीं मम्मी, पता नहीं। वो मतलब कोई गारंटी नहीं है वो ऑर्डर P2P मैक्स को मिलेगा या नहीं। क्या बात है दक्कू, आहा, आज तक तेरे लिए मैंने जो भी भला बुरा कहा ना सब वापस ले, सब वापस। ओ दक्कू भाई इधर इधर। हाँ। वहां क्या देख रहे हैं? अब सोसाइटी सोसाइटी लगने लगी। हाँ। जैसे पहले जेल लग रही थी और ये जल्लाद सॉरी मतलब जेलर। हाँ। कहाँ छुपा के रखा था इस दक्कू को। दक्कू भाई उस दिन सोसाइटी मीटिंग में मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया था, आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। एक्चुअली उस टाइम मैं गुस्से में थी ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल गई। नो 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 वंदना भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? कीड़े पड़ेंगे मुझे अगर परम पूजनीय वंदना भाभी को मुझसे माफी मांगनी पड़े। ओ दक्कू भाई बैठिए बैठिए। मैंने पीस रेडी की, मैं वो बोलता हूँ। भाइयों बहनों, पिछले कुछ सालों से आप सब ने जिस तरह मेरी हरकतों को झेला है उसके लिए मैं बहुत भारी हूं। भारी नहीं, आप भारी। भारी। सॉरी आभारी हूं, बहुत आभारी हूं। पहले वाला भी सही था। पिछले कुछ दिनों से रूल्स में थोड़ी छूट देकर मुझे पहली बार संतुष्टि का अनुभव हुआ और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी हुआ होगा। इसलिए मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आज यह ऐलान करता हूं कि अब से हमारी सोसाइटी में कोई रूल्स फॉलो नहीं होंगे। हाँ? अब से कोई रोक टोक नहीं होगी, जिसे जो करना है कर सकता है। गार्डन में फूल तोड़ो, अपने घर की दीवार तोड़ो, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। अगर ऐसा हुआ तो फिर सोसाइटी तहस नहस हो जाएगी। आप खुद वकील हो ना, आपको पता है ना बगैर नियम के समाज चल नहीं सकता। दक्कू भाई आप ही कहते थे ना रूल्स माने रूल्स, फॉलो ना कर रहे थे फूल्स। राजेश भाई वो पुराने जमाने का दक्कू था, अब ये नए जमाने का दक्कू कहता है रूल्स बेकार के रूल्स, जो फॉलो करे ते फूल्स। अब से माय लाइफ माय रूल्स। यो ओए पुत्र एकदम सही जा रहा है। जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। डाकू हाय ये क्या बोल रहा है तू? हाँ मैं सोचता था कि काश दक्कू भाई बदल जाए, पर सोचा नहीं था इतना बदल जाएंगे। हाँ कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? दक्कू भाई में जो बदलाव आया है ना, उससे ज्यादा टेंशन मुझे सोसाइटी में जो बदलाव आने वाला है उसकी हो रही है। राज पता नहीं क्या होगा। भाई यही है वो साही दर्शन हाइट सोसाइटी, वो रूल्स मतलब रूल्स वाला नाड़ी दक्षेश जोशीपुरा इसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है। खबर पक्की है ना? एकदम पक्की भाई। उसी की वजह से अपन लोग को जेल में सड़ना पड़ा था। यही है वो दोनों चोर जिन्हें मैंने मजदूर समझा था। जाइए जाइए लेकर जाइए प्लीज। चल चल। अब उसे दिखाएंगे कि उसने किससे पंगा लिया है। हाँ भाई। अरे वाह, बनारस जाने की प्लानिंग चल रही है। वाह। हाँ क्योंकि आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और ये पाप गंगा में स्नान करने से ही धुलेगा। ऐसा कौन सा पाप हो गया है तुमसे? पाप हो नहीं गया है, पाप तुमने करवाया है। इस रूल के रखवाले साहिह दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से रूल तोड़ने का घोर पाप करवाया है तुमने। रहीमन कठिन चितानते चिंता को चितचेत, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत। अर्थात चिंता चिता के समान होती है। कहाँ गया वो उस दिन दूसरा चिकना कौन था उसके साथ? भाई वो राजेश वागले, वो भी सी बिल्डिंग में रहता है। उसे भी अपनी दुश्मनी का नजराना देना ही पड़ेगा। भाई आप बोलो तो आज रात को ही। नहीं नहीं आज रात को नहीं, पिछली बार की तरह मुझे कोई बेवकूफी नहीं चाहिए। पहले हम पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। दक्षेश जोशीपुरा तैयार रहना। राजेश वागले कंगाली में आटा गीला का इसलिए पहचान लिया तो 6 महीने के लिए अंदर हो जाऊंगा। साहब ये लिफ्ट का बटन है, गाड़ी का एक्सीलेटर नहीं है कि इसे जल्दी जल्दी दबाओगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नीचे जाएगी। आपको देखा हुआ लग रहा है। हाँ जब हम घर नहीं जाते ना तो हमारी बीवी भी यही ताना मारती है कि आपका चेहरा देखा हुआ लग रहा है। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन नहीं नहीं, हमारी 7.5 पीढ़ी में कोई भी चोर ऐसा नहीं हुआ जो पुलिस स्टेशन का चेहरा देखा हो। चोर एक मिनट। ओ भाई साहब वो कौन से फ्लैट पे कौन से विंग में आए थे? सी विंग 2103। सी विंग? सी विंग है ही नहीं पूरी बिल्डिंग में। 2103 ओ किस काम से आया था ये आदमी? कौन आदमी सर? अरे कौन आदमी क्या? अभी गया ना यहाँ से भागकर कोई गया? नहीं नहीं साहब हमें कुछ नहीं पता साहब, अभी हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि कोई भी आता है किसी भी फ्लैट का नंबर बताता है, किसी भी फ्लैट में घुस जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते साहब, इसीलिए बैठे बैठे गाने सुनते रहते हैं। एक मिनट गाने बंद करो, गाने बंद करो। जी जी हाँ और खड़े रहेंगे आप? ये क्या कर रहे हैं अभी? इधर ही लेटते हो क्या? नहीं नहीं साहब वो माफ कीजिए, अब माफ कीजिए साहब वो ऐसे क्या ये। और रजिस्टर खोलकर पता कीजिए इस बंदे का क्या नाम है, कहाँ से आया है, एड्रेस क्या है, कौन से फ्लैट पे गया था, देखिए जरा चेक कीजिए रजिस्टर। साहब आप भी किस दुनिया में जी रहे हैं साहब? अरे जोशीपुरा साहब ने रद्दी में भेज दिए सारी सोसाइटी के रजिस्टर। हाँ और नए सिक्योरिटी नियम के अनुसार अभी किसी भी रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं करनी, ना फोन नंबर ना नाम ना एड्रेस, कुछ नहीं, सब खत्म। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हाँ? दक्कू भाई को फोन लगाइए। नहीं 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 फोन लगाइए अभी। क्या अभी फोन? नहीं नहीं फोन नहीं साहब, उन्होंने मना किया है कि छोटे मोटे कामों के लिए मुझे फोन मत करना। छोटे मोटे? बंधु सही कह रही थी, ये अतिवादी किस्म के इंसान बन गए दक्कू भाई। तिवारी जी। जी साहब। जाइए एक रजिस्टर खरीद के लाइए और ये जो नाम एड्रेस का प्रोटोकॉल है ना वो शुरू कीजिए वापस। नहीं साहब मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है साहब। प्यारी है तो फिर अपना काम जारी रखो। नहीं नहीं साहब, मैं तो करना चाहता हूँ, इसीलिए तो नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ साहब। क्यों? क्योंकि साहब दक्कू साहब ने कहा है कि एक भी नियम का पालन किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और साहब मैं कुछ कहने जाता हूँ तो कहते हैं व्हाट माय लाइफ माय रूल्स यो यो यो, ऐसा कुछ बोलते हैं साहब। हम चुपचाप खड़े रहते हैं। ये सब करके दक्कू भाई क्या साबित करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स मिस्टर वागले, होपफुली सब सही होगा। मिस अकीरा, जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी गाड़ी जैसे थी हमने वैसी बनवा ली है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गोमेन नासाई। गोमेन नासाई मीन्स आई एम सॉरी। अरे गोमेन नासाई, आई एम रियली सॉरी। व्हाट्स द वर्ड इट? आई मीन आप ये कॉन्ट्रैक्ट P2P Max को देना चाहेंगे? अकीरा जी सोच रहे हैं। डील डन। हाँ अकीरा सर ने हाँ कहा। डील डन। अरे अरे गाता सर, थैंक यू थैंक यू। इनकी कंपनी के सारे बड़े ऑर्डर्स अब से P2P Max सुपरवाइज करेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आई प्रॉमिस यू दैट वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। डोंट थैंक मी, थैंक मिस्टर राजेश। मैं? अकीरा सर कह रहे हैं कि जापान में हम रूल्स, प्रोटोकॉल्स और डिसिप्लिन को बहुत अहमियत देते हैं। इंडिया जैसे अनजान देश में बिजनेस एक्सपांड करने से अकीरा जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हिचकिचा रहे थे। ओके। लेकिन उस दिन आपके घर पे जो भी हुआ उससे अकीरा जी का इंडियंस को देखने का नजरिया बदल गया। आपके पड़ोसी को देखकर अकीरा जी को विश्वास हुआ कि इंडियंस भी रूल्स और अनुशासन को अहमियत देते हैं। इस तरह रूल्स फॉलो करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम बचे हैं। अगर हर इंडियन इसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। आई नो। डील डन। थैंक यू। डील डन। थैंक यू सो मच। डील डन। अरिगातो। डील डन। Thank you. Come na sir, please. Come sir. This way. Please. Come sir. Ikde. Dakku bhai. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.